हाय गाइस, मेरा नाम है सुरजीत और जय श्री राम आपका हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फेसबुक के अंदर क्या नया अपडेट आया है, कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हो, किस तरीके से आप अपने वर्किंग को एनहेंस कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग जो है फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो, किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अब आपके लिए और भी चीज़ें आसान कर दी गई है फेसबुक की तरफ से। सो फ्रेंड्स, क्या वो अपडेट आया है फेसबुक के अंदर, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पार्ट को मिस मत करिएगा, अदरवाइज आप कहेंगे कि भैया आपने मेरे को ये नहीं बताया, सर आपने मेरे को वो नहीं बताया। इसलिए जो है आप लोग कभी ना कभी फेसबुक एड्स के अंदर कोई ना कोई गलती कर देते हो एड्स चलाने में, जिससे कि आपके सामने कोई इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है फिर एड्स में। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ और बात करते हैं फेसबुक के अंदर क्या नया अपडेट आया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैं अपने चैनल डिजिटल सुरजीत पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस डालता हूं जो कि फेसबुक एड्स से रिलेटेड होती है, और काफ़ी सारी ऐसी वीडियो जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना खींचते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आपको अपने लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे दो तरीके का डैशबोर्ड आपको जो है फेसबुक के अंदर दिखेगा। ये एक ओल्ड वर्जन का डैशबोर्ड है और ये वाला जो है एक नए वर्जन का डैशबोर्ड है। आपको इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस जो है दिख रहा है वो मुझे बताइएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं अब आपको गाइड कर देता हूं। अगर आपको ये डिफरेंस पहले से ही पता था तो आप मेरे को जो है कमेंट में लिख दीजिएगा यस आई नो ऑलरेडी। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस जो है हमारे नए डैशबोर्ड के अंदर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके सामने डैशबोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे मेटा का जो आइकन है इसके नीचे थ्री हैमबर्गर आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कुछ चीज़ें थी जो इसके ऊपर आती थी क्लिक करने के बाद, अब फेसबुक ने क्या क्या है कि मोस्टली ज़्यादातर हम क्या करते थे, हमें कुछ चेक करना होता था, फंड कितना है तो बिलिंग में जाते थे, ऑडियंस चेक करनी होती थी तो इस पे जाते थे, इवेंट मैनेजर को चेक करना है तो इस पे जाते थे, बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करना हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देन इसके बाद यहाँ पे आते थे। बट फेसबुक ने इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले ये ओवरव्यू भी नहीं था, तो ओवरव्यू जो पहले फेसबुक लेके आया इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिखती हैं आपके फेसबुक एड्स के, ऑडियंस वगैरह एक्सेट्रा। देन उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और नीचे ऐड कर दी गई हैं, वो आपको कैसे दिखेगा ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, अगर आपके सामने नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, ये आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा कि आप इसे खुद ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हो। फेसबुक का ऐसा ही होता है कि वो आधे पे अपडेट करता है, आधे पे बाद में अपडेट करता है। तो भैया अभी आधे पे ही अपडेट हुआ है, तो ये मेरे पास अकाउंट है और ये मेरे पास दूसरा अकाउंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओवरव्यू आ रहा है, ऐड रिपोर्टिंग आ रहा है, ऑडियंस आ रहा है, ऐड अकाउंट सेटिंग आ रहा है, बिलिंग आ रहा है, एंड देन उसके बाद ऑल टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। फेसबुक का ये अपडेट है। और बाकी जो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जब अपना माउस को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक होवर कर देगा, आपको होवर करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके ऊपर क्या होता था कि पहले आप जो इसके ऊपर ऑटोमेटिक होवर नहीं होता है, आप माउस लेके जाओगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक होवर हो जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक मेन्यूज आपके सामने ओपन हो जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और ऑल टूल पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपने सभी मेन्यूज़ को जो यहाँ पर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी अदर मेन्यूज़ भी जो देख सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट है। अब आपको क्या है कि फेसबुक इसके लिए अलग से आपको नए पेज की ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या है बिलिंग के ऊपर, अगर आपको फंड चेक करना है तो बिलिंग के ऊपर चले जाओ, अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है तो इसके ऊपर चले जाओ। ये फेसबुक का नया अपडेट है जिससे कि आप बिना पेज को मूव करे ही सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी आपने जाना फेसबुक के नए अपडेट के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अपडेट कैसा लगा फेसबुक का, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में यस करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कहिए नॉट बैड, बट क्योंकि एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, हमें तो इसके लिए फैमिलियर होना पड़ेगा। फेसबुक ने काफ़ी सारी चीज़ें और भी चेंज करी है, लाइक अगर आप बिलिंग में जाओगे तो पहले पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आता था यहाँ पे, बट अब पेमेंट सेटिंग की जगह यहाँ पे जो है फेसबुक ने ऑटोमेटिक सिस्टम ऐड कर दिया है कि आप जो है ऊपर नीचे ही चेंज करके देख सकते हो, आपको अलग से पेमेंट सेटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग आ गया, पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता था पेमेंट सेटिंग का, उसके ऊपर क्लिक करो, उसके ऊपर जाओ, सारी डिटेल्स देखो, बट अब ऐसा नहीं है, अब इसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये फेसबुक का नया अच्छा और काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। आपको ये सब अपडेट कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए अगर आपको फेसबुक एड्स के अंदर मास्टर बनना है तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ऑन करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना जिससे कि हमारे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।